केंद्र सरकार दे वल्लों पूरे देश दे विच तेल दीआं कीमतां वधा दित्तीआं गईआं ने। इन्हां वधीआं कीमतां नूं लै के जिथे विरोधी लगातार केंद्र सरकार नूं घेरदे होए नजर आ रहे ने, उत्थे जे आपां पंजाब दी गल करिए तां पंजाब दे विच वी सियासत जोरां शोरां ते है। सियासत पूरी तरह गरमा चुकी है अते तेल दीआं वध रहीआं कीमतां इस गर्म सियासत दे विच होर अग लाउण दा काम कर रहीआं ने। चब्बेवाल विखे तेल दीआं वध रहीआं कीमतां दे रोस दे वजों लोक इंसाफ पार्टी दे आगूआं ते वर्करां दे वल्लों रोस मार्च कीता गया, केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार दा पुतला फूकिया गया। सारे नूं पता है भी जिहड़ी महामारी चल रही है इहदे नाल लोगों का बहुत जीना मुश्किल होया, लोगों को खाण पीण दा ही चीज़ा पूरिया नहीं होंदिया। तो यह जिहड़ियां सरकारां आ इह तेलां दे ते तेल का रेट बढ़ा के होर कई तरह के टैक्स ला के लोगों को मारन नूं बिल्कुल तैयार बैठी है। मैं तो यह कहना भी इन्हां दीआं चालां आ जिहड़ा तेल वधाउणे जां टैक्स बार बार वधाई जाणे, इन्हां दा कारण आ भी इह साडीआं जमीनां जिहड़ियां खोहणियां चाहुंदे आ, क्योंकि इदां चाहुंदे आ भी हरेक चीज़ का जे असीं रेट वधाई जावांगे तां किसान जिहड़े आ उह खेती करन अट जाऊगे। मैं तो यह सोचदा कई इन्हों का यह तरीका आ भी पहला इन्होंने तेल वधा वधा के किसानों इदा कर देना भी खेती विचों बचता कुछ नहीं। जिदा मान लो भी खेती विचों जो 60,000 किसी को बचता आ, इन्होंने बाद च अपने बंदे ला के 1-1 लाख रुपए के बच्चे उन्होंने लेना आ खेतों को, फिर इन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट करके 10 साल तो बाद साडियां जिहड़ियां जमीनां आ उन्होंने प्लेन करके ये आप खेती करूंगे तो 10 साल बाद सानू मोट दूंगे। जब तक सानू बीज भी मिलने बंद हो जाने, ट्रैक्टर वगैरह मिलने बंद हो जाने, इन्होंने फिर साडियां जिहड़ियां जमीनां फ्री दे विच हड़पनियां, तो साडे किसानां नूं जिहड़ा आ कल्ली रोटी दे उत्ते रखूंगे। इन्हां दीआं जो भी चालां आ इह सारीआं किसानां दीआं जमीनां नूं हड़पण दा इह बारे प्रोग्राम बनाए जा रहे आ। ते कोई भी सरकार आ, मोदी सरकार आ, भावें अकाली दल सरकार आ, भावें आम आदमी पार्टी आ, सारे इको ही आ, चट्टे बट्टे आ सब। मैं तो अपने भरावों को कहना भी हजे भी जाग जाओ, हजे टाइम आ, तुसीं पुराने टाइम नूं याद करो। साडे जिहड़े बजुर्ग होंदे सीगे उन्होंने कपड़े जरूर पाटे होंदे सी, पर तुसीं उन्होंने एक मरला जिहड़ा आ उह कदी गिरवे रखिआ नहीं दिखा सकते। पर हुण तुसीं देखो साडे किसानां दा की हाल हुआ, इन्हां ने सानूं लालच दे दे के सानूं आह लोन लै लो, आह लै लो, आह टैक्स हो गया, आह टैक्स हो गया। इन्हां दा काम इह आ भई इन्हां ने साडियां हौली हौली जमीनां जिहड़ियां खत्म कर देणियां। तो मैं ये कहना कि लोगों को हजे टाइम आ भी हजे भी भरावो जाग जाओ तो अपनी जमीन बचाओ। जय हिंद। जिमें कि आप सब जानते हो कि कोरोना महामारी के चलदिया भारत के पंजाब समेत दुनिया इंसान लुकाई बहुत तंग आ, इसकी एक मार होर पई आ। पिछले दिनों के किसानों दबिया जा रहा, नौजवानी दबिया जा रहा, किसानों के विरोध के आर्डीनेंस सेंटर सरकार ने जारी किया जिहड़ा कि देश दे किसान नूं मार फुटेगा। किसान ते जवान पहले ही मरे हुए ने, और नाल एक होर इन्हें आ पिछले दिन वादा किया कि लॉकडाउन के दौरान 11% 12% जिहड़ा तेल उह वध गया, तेल की कीमत हद्दां बन्ने टप गई, ते नाल महंगाई होर हो रही आ। महंगाई तो पहले ही बहुत आ। मैं बेनती करदा कि जिहड़े आर्डीनेंस है इन्हां नूं वापस लो, जिहड़ियां लोकां दीआं मुश्किलां उन्हां नूं हल करो, ते लोकां दीआं समस्यां नूं देखदे होए ये जिहड़ियां कीमतां वध रही आ इहदे विच व्यापारी दिहाड़ीदार सारे तंग आ। दूसरी गल इह आ कि लोकां द्वारा जिहड़ी चुनी हुई सरकार हुंदी आ उह लोकां नूं न्याय दिंदी आ, जदकि इत्थे इह नहीं हो रिहा। इत्थे सिर्फ ते सिर्फ माइनिंग हो रही आ, भ्रिष्टाचार हो रहा, बेरोजगारी वध रही आ, ट्रांसपोर्ट माफिया हैवी आ, शराब माफिया हैवी आ, ये सारा इन्हां सरकारां दी बदौलत चल रहा, जदकि इह नहीं होना चाहिए। मैं बेनती करदा सरकारां नूं, पंजाब सरकार नूं, सेंटर सरकार नूं कि ये जिहड़ा आर्डीनेंस है इहनूं वापस लो, ते तेल दीआं कीमतां जिहड़ियां आ उह वापस लईआं जाण, ते जिहड़ी महंगाई आ उहनूं कंट्रोल कीता जावे। धन्नवाद। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों का कहना सी कि सरकार नूं कीमतां घट करनियां चाहीदियां ने तां जो लोकां नूं राहत मिल सके और राहत भरिया महसूस कर सकन। होशियारपुर तो गुरदीप सिंह दी स्पेशल रिपोर्ट दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट दा टीवी NRI।